देखिए नाइन्थ क्लास फर्स्ट लेसन जो है द्रव एवं उनके गुण मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज, इसको रिवाइज कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर में लिखे हुए हैं, पॉइंट समझिए। द्रव या पदार्थ या मैटर, बात देखिए है, ये जो द्रव है इसका इंग्लिश क्या होगा? मैटर। लिक्विड नहीं समझिएगा, ये द्रव है या उसमें सिर्फ द्रव, तो दोनों में डिफरेंस है। द्रव स्थान घेरता है और इसका स्थान घेरता है, इसका एक मास होता है, द्रव्यमान होता है। तो इसके बाद याद रखना है, द्रव किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। तो एवरीथिंग इज मैटर, सब कुछ क्या है, पदार्थ है। जो भी स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है, सब क्या है, पदार्थ है, द्रव्य है। सही वस्तु किससे बना है, तो द्रव से बना है। दूसरा है, द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। जो द्रव के कण हैं उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसको अंतरणुक स्थान कहते हैं। समझ गए, अंतरणुक स्थान, जो स्थान होगा कण के बीच में वही क्या होगा, अंतरणुक स्थान होगा। द्रव के कण निरंतर गतिशील होते हैं, द्रव के जो कण हैं वो हमेशा गति में रहते हैं, गतिशील होते हैं। समझ गए, आप देखते होंगे अगरबत्ती वगैरह जब उसको हम जलाते हैं तो उसके परफ्यूम दूर तक जाता है, तो हो सकता है गर्म करने से उसका गति बढ़ जाए, लेकिन पदार्थ की गंध जो है वो हमेशा गतिशील होता है। ठोस में कम होगा, द्रव में उससे ज़्यादा होगा, गैस में सबसे अधिक गतिशील होंगे। तो प्रॉपर्टीज देखेंगे अलग अलग, लेकिन यह समझिए द्रव के कण हमेशा क्या होता है, गतिशील होता है, निरंतर गतिशील रहते हैं, गतिशील होते हैं। द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यही आकर्षण क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतरणु आकर्षण बल। आकर्षण बल किसे कहते हैं, अंतरणु आकर्षण बल। तो पदार्थ कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन का गुण होता है, वही क्या है, अंतरणु आकर्षण बल। अणु के बीच में जो पदार्थ उनके बीच के में लगने वाले बल को अंतरणु आकर्षण बल कहेंगे। नेक्स्ट है, द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। जो द्रव है, पदार्थ है, वह सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। परमाणु अविभाज कण है, कौन कहे थे, परमाणु को जॉन डाल्टन। इससे पहले भी महर्षि कनार बोले कि क्या ये अविभाज है, परमाणु सबसे छोटा कण है। लेकिन परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में आगे विभक्त किया गया, आज मौलिक कण की संख्या ज़्यादा है, खोज होते गया। तो जो पदार्थ कण है वो क्या हो सकता है, कणों से मिलकर बने होते हैं, जो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। परमाणु के समूह को अणु कहते हैं और आयन आवेशित कण को आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार का हो जाएगा, धन आयन और ऋण आयन। प्लस रहेगा तो धन आयन बोलेंगे, इस पर चार्ज माइनस रहेगा तो ऋण आयन बोलेंगे। कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो देगा, त्याग देगा तो प्लस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो माइनस में आ जाएगा। तो आवेश युक्त कण को आयन कहते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और अणु क्या है, परमाणु का समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे अणु कहते हैं। तो डिफिनेशन भी याद रखना है, पदार्थ तीन अवस्थाओं में होते हैं, भौतिक दृष्टिकोण से भौतिक गुण के आधार पर, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। रासायनिक गुण के आधार पर तीन पदार्थ मुख्य रूप से तीन पदार्थ होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट है, कंपाउंड है और मिक्सचर है। तत्व मतलब सिंगल पदार्थ, एक तरह के परमाणु से मिलकर बनेगा, उसको तत्व कहेंगे। दो या दो से अधिक तत्व रहेगा एक अनुपात में, निश्चित रेशियो में, तो उसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। और किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थ या मिश्रण हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, उसको मिश्रण बोलेंगे। ठोस पदार्थ गुण लिखा हुआ है, ठोस किसे कहते हैं, ठोस पदार्थ का जो आकार है और आयतन है क्या होगा, दोनों निश्चित होता है। ठोस पदार्थ में जो रिक्त स्थान है बहुत क्या होगा, नगण होगा, कम होगा, क्योंकि उनके जो कण है उसमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहाव की प्रवृत्ति नहीं होगा। ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होंगे, उनके घनत्व ज़्यादा होगा, ठोस पदार्थ घनत्व ज़्यादा होगा, उनका द्रव्यमान के थोड़ा भी ज़्यादा होगा, घनत्व तो ज़्यादा है। समझ गए, तो ठोस पदार्थ हो जाएंगे। दूसरा है द्रव, द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार नहीं, उसका जो वॉल्यूम है फिक्स होगा लेकिन उसका शेप है वो बदल जाएगा। जिस पात्र में रखिएगा उस पात्र का अपना ग्रहण कर लेगा आकार द्रव। तो
याद रखना है कि आयतन निश्चित होगा, तंतुओं का निश्चित नहीं होगा। द्रव हो गया, द्रव में बहाव का गुण होता है, उसको रखिएगा तो क्या होगा, उसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। गैस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, ठोस में दोनों निश्चित, गैस में सिर्फ, द्रव में सिर्फ, आयतन निश्चित। इसमें क्या हो गया, गैस में आकार आयतन दोनों अनिश्चित हो जाएगा। इसके बाद है पात्र की दीवार पर, पात्र की दीवार पर, पात्र में बर्तन, बर्तन की दीवार पर कणों के टक्कर के कारण गैस से दाब डालती है, द्रव दाब डालता है, गैस दाब डालता है, तो गैस के अंदर ज़्यादा गतिशील होंगे क्योंकि उनमें रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होगा ठोस की अपेक्षा, और उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होगा, तो जो कण है बहुत गतिशील होते हैं ज़्यादा। गैस का कण क्या होते हैं, गतिशील ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा गतिशील होगा तो इस तरह मूव करेगा, तो जो पात्र है, बर्तन है, उस पर दबाव डालेगा, तो तकई का दबाव डालते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाओं में गैस का विसरण, विसरण की महत्तम दर है, जो गैस है वो सबसे अधिक फैलेगा, सबसे अधिक विस्तृत होगा। विसरण का गुण जो है किसमें सबसे अधिक है, गैस में सबसे कम, ठोस में हो जाएगा, समझ गए, तो इस तरह से ठोस का गुण अपोजिट गैस का गुण हो जाएगा। गैस क्या होते हैं, संपीड्य हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा, ठोस का अपोजिट गुण बोल दीजिए गैस बन जाएगा। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे कैसे, तो ताप और दाब में परिवर्तन करके, पदार्थ की अवस्था जो है ठोस है, द्रव है, गैस अवस्था में मूल रूप से पाया जाता है, उस अवस्था को आप चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करिएगा, तो उसको दाब और ताप में चेंज कर देंगे तो अवस्था परिवर्तन हो सकता है। देखते हैं पानी को रख देते हैं फ्रिज में तो बर्फ बन जाता है, बोलिए पहले लिक्विड रखे थे ठोस हो गया, बोलिए परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, वाटर है उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाता है, पानी कम जाता है तो वाष्पन को घुल जाता है, मैंने परिवर्तन चेंज हुआ। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है परिवर्तन, देखिए ठोस है, ठोस से द्रव, ठोस से द्रव, कोई ठोस पदार्थ है द्रव हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, उसको बोलेंगे गलन, पिघल गया, मेल्ट हो गया, तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग या गलन। ठोस से द्रव, ठोस से द्रव, तो क्या हो जाएगा, गल जाएगा, गलन, गलन में मेल्टिंग हो जाएगा, और जिस टेम्परेचर पर होगा उसको बोलेंगे उसके पॉइंट यानी गलनांक बिंदु, समझ गए, गलनांक बिंदु। नेक्स्ट है द्रव से गैस, द्रव से गैस, लिक्विड टू गैस, उसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। गैस द्रव है, गैस में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे वेपर बन रहा है, वाष्प बन रहा है, तो वाष्पीकरण। ठीक है, द्रव से ठोस, द्रव से ठोस, द्रव है ठोस में बदल गया, लिक्विड है क्या बन गया, ठोस बन गया यानी जम गया, उसको बोलेंगे जमना यानी फ्रीजिंग हो गया, समझ गए, ठोस से द्रव से ठोस जम गया तो फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे उसको, जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा जमेगा उसको फ्रीजिंग पॉइंट, जमाव बिंदु बोलेंगे। गैस से द्रव, गैस से द्रव, गैस से अगर द्रव में आ जाएगा क्या हो जाएगा, संघनन। हम लोग जो एलपीजी यूज करते हैं किचन में, एलपीजी समझ गया ना, ब्यूटेन और प्रोपेन, तो क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन पाइप के माध्यम से किस अवस्था में आता है, गैस अवस्था में आता है, तो उसको कम टेम्परेचर पे हाई प्रेशर से उसको टंकी में बंद करते हैं, परिवर्तन करते हैं उसको, ऐसा होता है गैस, लेकिन उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज टंकी में लाते हैं, हम लोग यूज करते हैं, ऐसे ही वाष्प बनता है। सुबह सुबह देखते हो कि पेड़ पौधा पर शीत पानी, तो कैसे आता है, वायुमंडल की आर्द्रता जो है, जल है, वही क्या होता है, द्रवस्था में चेंज हो जाता है, तो गैस द्रव में बदल दिया, जो वेपर है वाटर ड्रॉप में आ गया, तो वही शीत हम लोग बोलते हैं सुबह, तो प्रोसेस क्या है, संघनन है, द्रव से गैस संघनन, द्रव से गैस संघनन हो जाएगा। इसके बाद है ठोस से गैस, ठोस से सीधे गैस में, उसके बाद उदरपातन, सब्लिमेशन, कपूर जलाइएगा बिना लिक्विड हो गए खत्म, आयोडीन नेफ्थलीन ये सब एग्जाम्पल है उदरपातन का, तो ठोस से गैस, ठोस से गैस, क्या प्रोसेस है उदरपातन, कोई पदार्थ ठोस सीधे गैस में और ठंडा करने पर गैस सीधे ठोस में, तो उसको बोलेंगे उदरपातन, सब्लिमेशन। इस तरह से पूरे पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। सुनिए, क्वथन एक समिष्ट प्रक्रिया है किंतु वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है, वाष्पन सिर्फ सतह पर होता है, समझ गए, वाष्पन सतह पर, लेकिन क्वथनांक एक समिष्ट प्रक्रिया पूरे द्रव में होगा, समझ गए, पूरे पार्ट में होगा, याद रखना इसको, अच्छा पॉइंट है।
वाष्पन कैसे प्रक्रिया, तो सतह प्रक्रिया, सरफेस पे होता है वाष्पन, समझ गए, पूरे द्रव में नहीं, लेकिन कथनांक या क्वथन पूरे द्रव में होता है। गैसीय पदार्थ सबसे अधिक संपीड्य होते हैं, सबसे कम ठोस, सबसे अधिक गैस, तो गैसीय पदार्थ सबसे अधिक संपीड्य होते हैं, संपीड्य में शुद्ध, उसको संकुचित कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, समझ गए। परमाणविक कमरा का ताप 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, टेम्परेचर को चेंज कराना होगा, फॉर्मूला C/5 1 × 32/9, तो इसको ध्यान रखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। तो ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होता है, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होगा, जल को ठंडा करना है तो खुला पात्र में रख देते हैं, जिसे जिसका सरफेस खुला हो, जितना सरफेस है उतना ज़्यादा वाष्पन होगा और जल्दी सतह ठंडा हो जाएगा, हम लोग वाटर से ठंडा करते भी हैं। बर्फ गलनांक 273 डिग्री केल्विन, बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, और जल का कथनांक 373, 100 ऐड कर देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस होता है केल्विन में, 373 केल्विन, याद रखना है केल्विन में डिग्री नहीं लिखना है, समझ गए, तो 373 केल्विन होता है जल का कथनांक। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, चौथी अवस्था प्लाज्मा, मुख्य रूप से तीन अवस्था, ठोस द्रव, गैस, तत्व यौगिक और मिश्रण, चौथा अवस्था प्लाज्मा है, इसको समान अवस्था नहीं बोलते हैं, समान अवस्था नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसका जो जन्म होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था के उत्पत्ति क्या कारण है, तो उच्च ताप, हाई टेम्परेचर होगा तो प्लाज्मा अवस्था जनरेट होगा, तो समान अवस्था नहीं है, ऐसे चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और पंचमा बोस आइंस्टीन कंडीशन, इसको याद रखना है, पदार्थ की पंचम अवस्था बोस आइंस्टीन कंडीशन लिखा हुआ है। तत्व यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, तत्व यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, तत्व में सिर्फ एक तरह के परमाणु, एक प्रकार के परमाणु, और पदार्थ में एक से अधिक प्रकार के, देखिए एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं के परस्पर संयोग से यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है, पदार्थ शुद्ध और अशुद्ध है, तो तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व और यौगिक क्या जाएंगे, शुद्ध में आ जाएंगे, और मिश्रण अशुद्ध में आ जाएगा, ध्यान देना इसको, तो एक से अधिक प्रकार के परमाणु यौगिक, और सिर्फ एक तरह के परमाणु तो तत्व। जल का भाप, जल का भाप, भाप बोले बोले तो गैस, जल का गैस अवस्था में महत्तम ऊर्जा होता है, यानी सबसे अधिक ऊर्जा किस में होगा, वाष्प में होगा, समझ गए, तो जल का महत्तम ऊर्जा वाष्प में, मतलब गैस में, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, जब गर्म करेंगे तो गैस का आयतन बढ़ जाएगा, वो ज्यादा फैलेगा, उसे ज्यादा गतिशील हो जाएंगे, ज्यादा गतिशील हो जाएंगे, तो याद करना, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, वायु दब बढ़ेगा या कमेगा, तो दाब बढ़ने से कथनांक बढ़ता है, घटने से घटता है, याद रखिएगा, दाब बढ़ाएंगे तो कथनांक भी बढ़ जाएगा, कुकर में खाना जल्दी बनता है, क्यों, प्रेशर बढ़ जाता है, वही कारण है दाब बढ़ जाता है। दाब कैसे मात्रा है, पास्कल, वायुमंडलीय दाब बार, याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन हो जाएगा, C/5 1 × 32/9, टेम्परेचर चेंज करना होगा सेल्सियस से फारेनहाइट, तो इसको याद रखेंगे, जल का कथनांक 100 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन या 212 डिग्री फारेनहाइट, इसको चेंज कर सकते हैं। मानव शरीर का समान ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में 310, 37 ऐड कर देंगे 273 में, 310 आएगा, और 98.6 डिग्री फारेनहाइट, तो इस तरह से मानव शरीर का तापमान रखना है। सौर मंडल प्लाज्मा अवस्था का प्रतिक्रिया कारण हो गया उच्च ताप, हाई टेम्परेचर, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इसका, ध्यान रखेंगे।